ध्वजारोहण कार्यक्रम है जो निकलती है इनके ध्वजा, उसमें पूरे लोग उत्साह के साथ शामिल होते हैं। हम खाटू श्याम जी से मंगल कामना करते हैं, जिस उत्साह और प्यार से इन लोगों ने आपके ध्वजा को निकालने का काम किया है, उनके घरों में भी इसी तरह मंगल और ध्वजारोहण होता रहे। आप न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए हैं बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी। सर, आप खाटू श्याम बाबा को बहुत करीब से जान रहे हैं, आज आपने महोत्सव में भी दर्शन करने पहुंचे, कैसा लगा? नहीं, बहुत बहुत है, बहुत प्यार से ये लोग जो इसके आयोजक हैं और जो लोग भी इनसे जुड़े हैं, पूरा परिवार सब बाल बच्चे के साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं और पूरे खाटू श्याम जी के इस जो ध्वजारोहण कार्यक्रम है जो निकलती है इनके ध्वजा, उसमें पूरे लोग उत्साह के साथ शामिल होते हैं। हम खाटू श्याम जी से मंगल कामना करते हैं, जिस उत्साह और प्यार से इन लोगों ने आपके ध्वजा को निकालने का काम किया है, उनके घरों में भी इसी तरह मंगल और ध्वजारोहण होता रहे। पिछले महोत्सव का भी आपने जिक्र किया और कहा कि हमारे मनोकामना जो है भगवान ने, बाबा ने जो है पूरा किया है। नहीं, बाबा तो साक्षात उपस्थित, हाँ उपस्थित रहते हैं। बाबा का आशीर्वाद, बाबा के बिना आशीर्वाद का कुछ सक्षम ही नहीं है इस धरती पर, इसीलिए जितना प्यार और भक्ति बाबा के प्रति रखा जाए उतना अच्छा है। इस बार चुनाव भी है लोकसभा का, इस बार क्या कुछ मन में कामना लेकर तो के बाबा? बाबा से कामना मांग लिए हैं, अब कब पूर्ण होगा तो हम बताएंगे कि पूर्ण हो गया। निश्चित तौर पे तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी का। आगे उन तमाम और बयानों के साथ छोड़े जाते हैं कि देखिए, श्री श्याम फाल्गुन महोत्सव में बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी पहुंचे, जहां उन्होंने पिछले बार के महोत्सव का भी जिक्र करते हुए कहा कि हमारे मन का जो कामना था वह भगवान ने पूरा किया है और लोकसभा चुनाव को लेकर के भी इस बार जो है इन्होंने मत्था टेका है। क्या कुछ होगा, इन्होंने बताया कि मैं फिर से सबको बताऊंगा कि भगवान के चरणों में मैंने क्या कुछ इस बार आकर के कहा है। आगे उन बयानों के साथ छोड़ जाते हैं, तो सुनिए कि क्या कुछ कहना है बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी का। भैया आप लोग नहीं समझ रहे हैं ना, उधर जाइए प्लीज, रिक्वेस्ट है, उस साइड जाइए, पीछे जाइए। भैया आप लोग रिक्वेस्ट समझ रहे हैं, उधर जाइए ना प्लीज, उधर उधर जाइए प्लीज, जगह नहीं है, पीछे जाइए प्लीज। बोला खाटू जी, दिल्ली वाले मेन गेट पे बेटा उधर जाओ, आप लोग उधर क्यों नहीं जा सिगरी निकालिए। सभी श्याम भक्तों से अनुरोध है, सिगरी मेन गेट पे जिस गेट से आप इन किए थे। हेलो सुमित, दो मिनट। अभी अपने श्याम भक्तों को कामना देते हैं और जो इस कार्यक्रम को हमेशा संचालित करते रहे हैं उन सब लोगों को दिल से धन्यवाद देते हैं। पिछले साल भी हमको इन लोगों ने बुलाया था मिलन पटना, न्यू पटना क्लब में, और हमने खाटू श्याम जी के सामने कुछ अरमान अपने रखे थे जिसको खाटू श्याम जी ने पूर्ण करने का काम किया। और वैसे तो हम खाटू श्याम मंदिर राजस्थान भी होके आए हैं, सभी भक्तों को और खास करके हमारे सुमित जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि खाटू जी की कहानी, खाटू जी के बारे में चर्चा, खाटू जी का फोटो जो फूल से इनका हर हमेशा श्रृंगार कराते हैं, बहादुरपुर में भेजते रहते हैं, और एक लगाव उन्होंने खाटू जी से करा दिया। आज उन्होंने सब लोगों ने आग्रह किया था और हमारे साथ मगध विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर कुलपति शाही जी भी आए हुए हैं। सब लोगों से, प्रभु से आशा करते हैं हमारे बिहार और हम सबका कल्याण करें, प्रभु सबकी मनोकामना पूर्ण करें और सबके घर में उत्साह से, जिस उत्साह और प्यार से इस समारोह का आप लोगों ने आयोजन किया है, उसी तरह से उत्साह और प्यार से आपके घर में भी मंगल होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।